कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है। मोदी सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आंदोलन खत्म करा सकती है। सरकार ने इसके लिए आंदोलनकारियों और उनकी आकाओं को अल्टीमेटम दे दिया है। गाजीपुर हो या सिंगू बॉर्डर, सभी प्रदर्शन स्थल किसानों को जल्द खाली करना होगा। सरकार का साफ संदेश है कि अगर आंदोलनकारी प्यार से धरना समाप्त नहीं करते हैं तो इस बार पुलिसिया कार्रवाई भी होगी और आंदोलन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के संदेश के बाद किसान नेता छटपटाने लगे हैं। राकेश टिकैत हो या फिर गुरनाम सिंह चढ़नू, ये दोनों केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ुनी और भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच कृषि कानून में सुधार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में चार महीने बाद गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने कहा कि सरकार हमारे आंदोलन को जबरन खत्म नहीं करवा सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ये न सोचे कि किसानों को दबाव में घर भेज दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सरकार के अल्टीमेटम के बाद ऐलान किया कि लॉकडाउन लगने के बावजूद यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन नहीं थमेगा। माना जा रहा है कि अब किसान नेताओं को डर सताने लगा है कि अगर केंद्र सरकार जबरन उनके आंदोलन को खत्म करा देती है तो कृषि कानून वापस भी नहीं होगा और उनकी सियासी दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि गुरनाम सिंह चढ़ुनी और राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल राकेश टिकैत और चढ़ुनी का कुछ इलाकों में किसानों पर प्रभाव है, ऐसे में उनके बयान असर करते हैं। यही वजह है कि कुछ किसान उनके बहकावे में आ रहे हैं और वो ना तो तीनों कृषि कानूनों की अच्छाई को समझ पा रहे हैं और ना ही इस पर हो रही राजनीति की गहराई तक पहुंच सके हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार ने आंदोलन स्थल खाली कराने का मन बना लिया है, ऐसे में राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारियों की नींद उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।